वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस कैप्रिकॉन्स कैसे हैं आप सब कैप्रिकॉन्स आई रियली डू होप कि आप सभी अच्छे होंगे कैप्रिकॉन्स और आई um, प्रे कि आपका नवंबर का मंथ बहुत ही अच्छा गुजरे बहुत सारी ब्लेसिंग्स आएँ आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएँ आपकी लाइफ में कैप्रिकॉन्स और ये आपकी नवंबर की लव रीडिंग है और ये रीडिंग दो पार्ट्स में डिवाइडेड है जो पहला पार्ट होगा उसमें हम आपकी लव लाइफ़ का जनरल प्रोडिक्शन करेंगे जनरल एनर्जी चेक इन करेंगे कि क्या इमोशन्स आप फील करते हुए दिख रहे हैं कौन लोग दिख रहे हैं आपकी लव लाइफ में क्या चीज़ें हो सकती हैं नवंबर में सो so, नवंबर की जनरल एनर्जी चेक इंस करेंगे और पार्ट टू जो होगा कैप्रिकॉन्स उसमें हम आपकी लव लाइफ़ का पास्ट प्रजेंट फ्यूचर आउटकम और आपके पर्सन आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं एक स्टोरी लाइन को फॉलो करेंगे तो जो पहला पार्ट है वो जनरलाइज मैसेजेस होंगे जो सेकंड पार्ट है वो पास्ट प्रजेंट फ्यूचर और आउटकम पे बेस्ड होगा और पास्ट वन का मोस्ट प्रोबेबली कोई रिलेशन पार्ट टू से नहीं होगा तो अगर आप वन से रिलेट कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप टू से रिलेट करें अगर आप टू से रिलेट कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप पार्ट वन से रिलेट करें अगर आप तो कीप दैट इन माइंड और बहुत ही हाई चांसेस हैं कि आप दोनों पार्ट से रिलेट करें तो हम कोशिश करेंगे डीप में जाने की डीप में आपकी सिचुएशन को समझने की लेट्स और अगेन ओनली टेक ओवर ट्रेजन ओके सो क्या एनर्जीज हैं आपकी ओके okay. वी हैव पे अटेंशन टू रेड फ्लैक्स द साइंस आर कॉशनिंग यू ओके जो पहला कार्ड आया है वो बोल रहा है कि जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं नवम्बर में थोड़ा सा रेड फ्लैग्स पे अटेंशन पे करिएगा थोड़े से कॉशस रहिएगा कि जो पर्सन है वो ऑथेंटिक है या नहीं आपके साथ में रियल है कि नहीं थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है रोमांटिक फीलिंग्स योर फीलिंग्स आर रियल इन वर्थ एक्सप्लोरिंग तो आप किसी के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस रखते हुए दिख रहे हैं नवंबर में स्ट्रोंग फीलिंग्स हैं आपकी किसी के टूवर्ड्स और यू शुड एक्सप्लोर दैट फीलिंग यू नो तो और न्यू लव भी है तो हो सकता है आप किसी के लिए फीलिंग्स रखने लग जाएं आप में से कुछ लोगों लोग नवंबर में तो आप उस फीलिंग्स को या उस कनेक्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं इट्स सेफ़ फॉर यू टू एक्सप्लोर तो अगर आपको मन करता है किसी से बात करने का या फिर आप किसी में इंटरेस्टेड रहते हैं तो उस चीज़ को एक चांस दीजिएगा ट्राई करिएगा न्यू लव है यहाँ पर ओके अ न्यू पर्सन हैज़ स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग फीलिंग्स अगेन आप में से कुछ लोगों के लिए समझ में आ रहा है कि आप किसी किसी नए पर्सन में इंटरेस्ट ले रहे हैं या फिर कोई नया पर्सन आप में इंटरेस्ट ले रहा है तो बहुत सारे लोगों के लिए ये जो तीनों कार्ड्स हैं ये बता रहे हैं कि कुछ नया होते हुए दिख रहा है कुछ फ्रेश होते हुए दिख रहा है और ये एक छोटी सी शुरुआत भी हो सकती है नवंबर में कि आपको कोई पर्सन पसंद आए और आप उससे बात करना शुरू करें और उसके बाद ये चीज़ किस लेवल पे जाएगी ये हम देखने की कोशिश करेंगे अगर हमें दिखता है तो बट अभी नवंबर के हिसाब से बहुत ही फ्रेश फीलिंग्स दिख रही हैं ट्रू लव दिस दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम हाँ न्यू लव आया है ट्रू लव आया है कुछ इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट हो सकता है हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से मिलें नवंबर में किसी ऐसे पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करें कि धीरे धीरे आगे Uh, जा के ये जो कनेक्शन है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए तो देर आर हाई चांसेस कि नवंबर में जिस पर्सन के साथ आप हैं जिनसे बातें कर रहे हो उनके साथ में आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फॉर्म हो जाए और बहुत ही आगे जाए यू नो परमानेंट हो जाए देर आर हाई चांसेस आप में से कुछ लोगों को फाइनली अपनी लाइफ में प्यार मिलते हुए दिख रहा है यहाँ पे कीप एन ओपन माइंड योर सोलमेट मे डिफ़र फ्रॉम योर यूजअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कार्ड है जो कि बता रहा है कि हो सकता है आपको कोई ऐसा पर्सन पसंद आए जो एक्चुअली आपके टाइप का नहीं हो मतलब आपने कभी सोचा नहीं हो कि आपको इस पर्सन के लिए फीलिंग्स हो सकती हैं या फिर ये पर्सन आपकी रोमांटिक लाइफ का एक पार्ट हो सकता है जैसा आप अपने सोलमेट को हमेशा से इमेजिन करते थे या जिस टाइप के आपको लोग पसंद आते थे ये पर्सन थोड़ा उससे अलग हो सकता है थोड़ा पर्सनैलिटी अलग हो सकती है इस पर्सन की थोड़े से डिफ्रेंसेस हो सकते हैं आप लोगों के बीच में और सेम गोज़ योर पर्सन एज वेल के इस पर्सन को भी लग सकता है कि आप बहुत ही अलग हैं um, इनकी पसंद अलग रहती है बट आप डिफरेंट है बट स्टिल इस, इस पर्सन को आप पसंद आ रहे हैं तो ओपन माइंड रखिएगा ओपन माइंड रखने के लिए इसीलिए बोला जा रहा है कि कई बार हम किसी पर्सन को देख के ही सोच लेते हैं कि ये पर्सन तो मेरे टाइप का नहीं है इसके साथ कुछ नहीं रखना है मुझे बट इस, इसको एक्सप्लोर uh, करिए हो सकता है कि आप किसी को सरफेस लेवल पे जज कर रहे हो ऊपर ऊपर से जज कर रहे हो बट uh, अगर आप थोड़ा उस उस पर्सन को जानने और समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली वो पर्सन बहुत अच्छा है तो बस अपना ओपन माइंड रखिए स्पेशली अगर आप लाइफ के लव लाइफ के ऐसे फेज़ में है जहाँ पे आप ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं या एक्सप्लोर कर रहे हैं तो लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली ओके एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज आया है कैप्रिकॉन के किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए किसी भी सिचुएशन में जल्दबाजी मत करिए चीज़ों को नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए ठीक है तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी भी नहीं करनी है आपको बहुत जल्दी जल्दी अपनी फीलिंग्स को भी कन्फेस्ट नहीं करना है चाहे किसी के भी साथ आप डील कर रहे हो न्यू लव हो या ओल्ड लव हो कुछ भी हो बहुत ही सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश मत करिएगा कोशिश करिएगा कि चीज़ें नेचुरली हो सके हम फोर्स ना करें किसी भी चीज़ को हम्म hmm? उसके बाद हमारे पास है थ्री ऑफ पेंटिकल और द वर्ल्ड ओके सो अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं अगर आप अलग अलग शहरों में रहते हैं या फिर आप आ, ऐसी जगह से आते हैं कि दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं आ, आप लोगों का ट्रेडिशन अलग है कल्चर अलग है अलग अलग शहर हैं रिलीजन अलग है तो यहाँ पे आप दोनों कोशिश कर रहे हैं एक आ, एक पॉइंट पे आने की जहाँ पे आप दोनों के बीच में एक कंपैटिबिलिटी बन सके अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है आपके पर्सन ऐसे कुछ एक्शंस लें या फिर आप ऐसे कुछ एक्शंस लें कि आप लोग ज़्यादा सेफ़ या ज़्यादा कनेक्टेड फील करें लॉन्ग डिस्टेंस में भी या फिर अपने डिफरेंसेस होने के बाद भी यहाँ पे कोई पर्सन एक्शन लेते हुए दिख रहा है विच इज़ अ नाइस थिंग बिकॉज़ फीलिंग्स क्या होती है फीलिंग्स हमेशा दिमाग में चलती होती है बट रेयरली ऐसा होता है कि कोई एक्शन लेता है बट यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स कुछ एक्शन ले रहे हैं और द वर्ल्ड कई बार न्यू चैप्टर स्टार्ट होना भी बताता है और यहाँ पर न्यू लव भी है तो जो लोग भी न्यू लव सर्च कर रहे हैं उनके लिए बर बहुत ही पॉजिटिव रहेगा उसके बाद यहाँ पे नाइन ऑफ वन्स है और टू ऑफ शॉर्ट्स है यहाँ पे आप या आपके पर्सन की जो बाउंड्रीज हैं वो बहुत ही अप दिख रही हैं और बहुत ही हाई दिख रही हैं ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से कोई कोई एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा ओपन नहीं है इस कनेक्शन के लिए स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में थोड़ी झिझक है बात करने में स्टार्टिंग में थोड़ी सी झिझक हो रही है एक दूसरे को समझने में और स्टार्टिंग नहीं आप किसी भी कने किसी भी फेज में हों अपनी लव लाइफ़ के यहाँ पे एक नवम्बर का टाइम ऐसा आ रहा है जहाँ पे मिसकम्यूनिकेशन हो रहे हैं या फिर आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है क्लियरली तो थोड़ी सी बाउंड्री हाई दिख रही है थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी झिझक है एक दूसरे को सब कुछ बताने में थोड़ी सी झिझक है वनडरेबल होने में और यू uh, नो you know, उस बहुत ही डीप लेवल पे कनेक्ट होने में कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है पूरे तरीके से ओपन होने में तो आप भी हो सकते हैं आपके पर्सन भी हो सकते हैं एट द सेम टाइम यहाँ पर टू ऑफ शॉर्ट्स भी है आप थोड़े से कन्फ्यूज़ हो सकते हैं थोड़े से ब्लाइंड साइडेड हो सकते हैं अपनी लव लाइफ में थोड़ा कन्फ्यूजन दिख रहा है और हो सकता है आप कंफ्यूज हो कि आपको डिसीजन क्या लेना है आपको सब कुछ क्लियरली नवंबर में नहीं दिख रहा है नवंबर में आपको ग्लिम्सिस लोगों की मिल रही है मतलब कि आप अपनी लव लाइफ के किसी भी फेज में हो चाहे ये न्यू लव हो चाहे रिकंसिलेशन चाहते हो आप चाहे आप स्टेबल कनेक्शन में हो जहाँ पे भी आप स्टैंड कर रहे हैं आपको सारी चीज़ें क्लियरली नहीं दिख रही हैं आपको आपके पर्सन के ग्लिम्स दिख रहे हैं या लव लाइफ़ के ग्लिम्स दिख रहे हैं तो अभी पिक्चर बाकी है सब कुछ आपको नहीं पता है एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा बट एट द सेम टाइम नवंबर की स्टार्टिंग में थोड़ा कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है लव लाइफ में कि आपको समझ में नहीं आए कि एक्जैक्टली exactly ये पर्सन मुझसे चाहता क्या है या फिर आपको ये समझ में नहीं आए कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है तो येस थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है उसके बाद यहाँ पे फाइफ ऑफ पेंटिकल है और सेवन ऑफ वन से बहुत ही अलग एनर्जी दिख रही है ये एनर्जी है लोनलीनेस की एनर्जी आप में से कुछ लोग अकेलापन महसूस करते हुए दिख रहे हैं आप में से कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा बौद्धर्ड दिख रहे हैं आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि हमें कितनी भी नई एनर्जी यहाँ पे दिख रही हो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पुराने कनेक्शन को नर्चर करना चाहते हैं जिस कनेक्शन में आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा समय दे चुके हैं अपना और बहुत ज़्यादा टाइम दे चुके हैं अपना तो यहाँ पे आ, एक इम्पॉर्टेंट बात ये दिख रही है कि आप में से जो कुछ लोग हैं वो न्यू लव में या इंटरेस्ट में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं आप नर्चर करने की कोशिश करेंगे ऐसे कनेक्शन को जो काफ़ी टाइम से चला आ रहा है बट इस कनेक्शन में थोड़े से डिसपॉइंटमेंट दिख रहे हैं या फिर लोनलीनेस दिख रहा है या फिर आपके पर्सन का कोल्ड बिहेवियर दिख रहा है तो अगर आप ऐसे कनेक्शन में जहाँ पे आप किसी पर्सन को बहुत ही समय से जानते हैं और बहुत समय से आप उनसे कनेक्टेड हैं तो थोड़ा सा वो पर्सन आपके साथ कोल्ड बिहेव कर सकता है जैसे हमने बाउंड्रीज़ की बात की थी कि पर्सन ओपन अप नहीं हो रहा है पूरे तरीके से ऐसे ही समझ में आ रहा है कि पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहा है बट आप चाहते हैं इस कनेक्शन को नर्चर करके रखना तो आप यहाँ पर अपनी साइड से एफर्ट लगाते हुए दिख रहे हैं ओके okay, यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल है और द हाई प्रीस्टेस है टेन ऑफ पेंटिकल बता रहे कि स्टेबिलिटी आप ढूंढ रहे हैं अपनी लव लाइफ़ में आप लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं और आपकी स्टेबिलिटी के आसपास बहुत सारी मिस्ट्री इन्वॉल्व है जैसे मैंने आपको बताया था कि आप कंफ्यूज हैं लव लाइफ़ में क्लियरली आपको दिख नहीं रहा है कि क्या करना सही है क्या नहीं है नवम्बर में ऐसे ही आपके लव लाइफ़ के फ्यूचर को लेके Uh, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है बिकॉज बहुत सारी अनसर्टैनिटीज़ uh, हैं बहुत सारी हिडन चीज़ें हैं नवम्बर इज़ अ मंथ जहाँ पर एक्चुअली आप थोड़े कन्फ्यूज़ होने वाले हैं मैं आपको पहले ही बता देती हूँ बिकॉज़ नवम्बर सोचने समझने और एक्सप्लोर करने का मंथ दिख रहा है कैप्रिकॉर्न आप चाहते हैं स्टेबल कनेक्शन बट आपको पता नहीं है कि आपको आपकी लव लाइफ में स्टेबिलिटी कहाँ से मिलेगी आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं बहुत ही समय से हो सकता है वो पर्सन क्लियर नहीं हो अपनी फीलिंग्स में या इमोशंस में वो क्लियरली आपसे बात नहीं कर रहे हो कम्युनिकेट नहीं कर रहे हों जो हम पहले भी देख चुके हैं आप गेस करने की कोशिश कर रहे हो आप टैरो रीडिंग्स देख रहे हो आप हाई प्रीस्टिस की एनर्जी में दिख रहे हो जहाँ आप अपने दिमाग से फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हो कि आपकी लव लाइफ का सच क्या है और ये एनर्जी नवम्बर में भी एग्जिस्ट करते हुए दिख रही है यहाँ पे पेज ऑफ वांस की एनर्जी है और जस्टिस की एनर्जी है ओके बहुत ही वियर्ड सी एनर्जी है बट जो है वो है यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप जिस पर्सन से अटेंशन चाहते हैं आपको उस पर्सन से अटेंशन नहीं मिल रहा है आपको किसी और पर्सन से अटेंशन मिल रहा है जो अटेंशन शायद से आपको चाहिए नहीं इट्स मोर लाइक कि अगर आपने अपनी लव लाइफ में किसी पर्सन के टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाए हैं आपने किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है और बहुत ज़्यादा केयर की है किसी पर्सन की तो हो सकता है वो प्यार और केयर आपको उस पर्सन से रिटर्न में ना मिले आपको किसी और पर्सन से रिटर्न में मिले मतलब कि जो आपके अच्छे कर्माज हैं स्पेशली आपके लव लाइफ के स्पेशली आपके पर्सनल लाइफ के वो किसी और पर्सन के थ्रू पूरे हो रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि आप किसी से रिलेशनशिप में आ जाए इट्स मोर लाइक कि यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम दिख रहा है किसी पर्सन का आपकी लाइफ में नवम्बर में मतलब कोई पर्सन आपकी केयर करने वाला है और आपका ध्यान रखने वाला है और आपसे अच्छी बातें करने वाला है और आपकी लाइफ में जस्टिस आता हुआ भी दिख रहा है सो so अगेन आपके जो अच्छे कर्माज हैं आपको लव लाइफ में रिपे होंगे एट द सेम टाइम बहुत ही सिलेक्टेड साइड नोट है कुछ लोगों के लिए कि हो सकता है आपकी लाइफ में कोई लिब्रा हो तुला राशि जिसमें आप बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं जनरलाइज मैसेज हैं तो इसीलिए इतनी अलग अलग टाइप की एनर्जीज आ रही हैं फाइव ऑफ वांस है और फाइव ऑफ शॉर्ट्स है और फाइव ऑफ वान्स है फाइव ऑफ शॉर्ट्स कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी होती है लड़ाई झगड़े की एनर्जी होती है और यहाँ पे फाइफ ऑफ वान्स भी उसी चीज़ की एनर्जी होती है एक मैसेज ये दिख रहा है कि आप जिस पर्सन को पसंद करते हैं और जिस पर्सन के साथ में रहना चाहते हैं आपको ये फीलिंग आ सकती है कि उस पर्सन के बहुत सारे सूटर्स हैं और बहुत सारे लोग उस पर्सन को पसंद करते हैं तो उस पर्सन के साथ आपका चांस है या नहीं हो सकता है ये सोच के आप टेंशन ले रहे हो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिस पर्सन को आप पसंद करते हैं जिनके साथ आप रहना चाहते हैं आपको ऐसा लगे कि आपकी कनेक्शन में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है जैसे कि ये पर्सन अपने करियर पर फोकस्ड है या फिर अपनी फैमिली को ज़्यादा प्रायरिटी देता है या फिर उस पर्सन के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ये पर्सन रेडी नहीं है इस कनेक्शन के लिए आपको ऐसा भी लग सकता है तो थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्टिंग थोड़ी सी कॉम्पिटेटिव एनर्जी दिख रही है आप ऐसा फील कर रहे हैं आपको लग रहा है कि ये जो आपकी लाइफ का गोल है इसे रीच करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी और इसको लेके आप थोड़ा सा टेंशन में लग रहे हैं ओके वॉट एल्स वी हैव वी हैव एड ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ वांस ओके आप किसी चीज़ से मूव ऑन करते हुए भी दिख रहे हैं किसी पेन से आप मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं और किसी सिचुएशन में आप सक्सेसफुल हो रहे हैं तो जैसे जैसे नवंबर ख़त्म होगा आपकी लव लाइफ़ की कोई एक परेशानी जाएगी और आपको थोड़ी सी पॉजिटिविटी मिलेगी और थोड़ी सी क्लैरिटी भी मिल सकती है बट मोस्टली ये दिस इज़ लेस क्लैरिटी एंड मोर सक्सेस तो आपको लग सकता है कि चलो ये चीज़ तो ये ये परेशानी तो एटलीस्ट मेरी लव लाइफ से गई ये इशू तो एटलीस्ट हमारे बीच से चला गया तो ऐसी कुछ इमोशन आप फील करते हुए दिख रहे हो आप अच्छा फील करते हुए दिख रहे हो उसके बाद यहाँ पे ऑफ पेंटिकल है और देंग मैन है ओके आ, एक जो सबसे बड़ा आपकी लव लाइफ का इशू है वो ये है कि आप किसी पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा डीप इमोशंस रखते हो कोई पर्सन है जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है आपने बहुत ही क्लोज़ली इस पर्सन को होल्ड करके रखा हुआ है बट प्रॉब्लम ये है कि ये कनेक्शन कहीं पे स्टक है और रुका हुआ है तो बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी है दिस इज़ टेकिंग फॉर एवर एक ही कहानी चल रही है बहुत ज़्यादा महीनों से कि लव लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा है आप कितनी भी रीडिंग देख लो कुछ भी देख लो आपको ऐसा लगता है कुछ हो ही नहीं रहा है कुछ हो ही नहीं रहा है कुछ हो ही नहीं रहा है ऐसी एनर्जी आप आपकी दिख रही है बिकॉज येस yes, आप कहीं पे स्टक हैं अब हम डीप में जानने की कोशिश करेंगे बॉटम ऑफ द डेक में द हायरोफेंड है और टेन ऑफ शॉर्ट्स है एट ऑफ वानस है सेवन ऑफ कप्स है आ, आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो आप क्लियर कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो आप चाहते हो कि आपके पर्सन जो हैं वो क्लियरली आपको बताएं कि क्या चल रहा है आगे क्या होने वाला है आप क्लियर कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो यहाँ पे बट अगेन आपको क्लियर कम्युनिकेशन मिल नहीं रहा है आपके पर्सन आपको हो सकता है कि कन्फ्यूज़ कर रहे हूँ अपनी बातों से या फिर कभी आपको लगता हो कि हाँ हाँ ये पर्सन मुझ में इंटरेस्टेड है कभी आपको लगता है कि नहीं ये पर्सन मुझसे कुछ बातें छुपा रहा है ये पर्सन कुछ हाइट कर रहा है ये पर्सन प्रॉपर्ली बात नहीं कर रहा है मुझसे कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं नहीं ये पर्सन मुझमें इंटरेस्टेड है फिर कुछ थोड़े दिनों बाद कुछ एक्शन आपको आपके पर्सन कैसे दिखे कि आपको फील हो कि नहीं ये मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है सो so, एक वो फीलिंग आ सकती है कि ये पर्सन मुझसे चाहता क्या है आखिर आगे होने क्या वाला है आगे क्या होने वाला है उसका कंफ्यूजन बहुत ही ज़्यादा मेजर दिख रहा है आपकी लव लाइफ में कि अब सेकंड पार्ट में आते हैं बट यहाँ पे आपकी लाइफ में एक सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक सपोर्ट सिस्टम दिख रहा है मुझे नहीं पता कि आपका कोई फ्रेंड आपको हेल्प कर रहा है आपकी लव लाइफ में नेविगेट करने के लिए या फिर कोई और पर्सन है जो आपको हेल्प कर रहा है यू नो बट किसी का इमोशनल सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है द लवर्स है और थ्री ऑफ वान्स है ओके okay. इंटरेस्टिंग um, Wow, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं फ्यूचर के ओ माय गॉड किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स में आया है इंटरेस्टिंग आपका पता है आपकी आपकी स्ट्रेंथ क्या है यहाँ पे आपको क्या करने के लिए बोला जा रहा है आपकी लव लाइफ में आपको बोला जा रहा है ना कि पॉजिटिव नई चीज़ों पे आप फोकस करें नई चीज़ मतलब ऐसा नहीं कि नए रिलेशनशिप पे फोकस करें जो पुराना हो गया है वो हो गया है नई चीज़ें मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें चाहे आप सेम पर्सन के साथ करना चाहते हो या किसी और पर्सन के साथ में यहाँ पे किसी चीज़ से फ्रीडम चाहिए आपको ओके गिव मी मोमेंट हम डीप में काफ़ी पॉजिटिव आपकी रीडिंग का ये पार्ट आया है और <laughs> मैं बहुत ही खुश हूँ ये वाली चीज़ ये जो भी कार्ड्स आए हैं उनके लिए बिकॉज़ यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन है जिसे आप ऑफ़र देना चाहते हैं और ये पर्सन यहाँ पे आपका ऑफ़र एक्सेप्ट करते हुए दिख रहा है बट अगेन ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि चीज़ों को नेचुरली अनफोल्ड होने देना है जस्ट बिकॉज मैंने आपको टेरो रीडिंग में बोल दिया है कि आप ऑफर दोगे तो आपका ऑफ़र एक्सेप्ट हो सकता है इसका मतलब ये नहीं कि गलत टाइम पे रॉन्ग टाइमिंग पे आप किसी पर्सन को ऑफ़र दे दें बिकॉज़ यहाँ पे आप नाइट ऑफ़ कप्स की एनर्जी में दिख रहे हो नवंबर में जहाँ पे आप किसी को अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हो और ये पर्सन भी सेम वेज आपके लिए फ़ील कर रहा है या आपके पर्सन की फीलिंग्स में क्वीन ऑफ कप्स आया है चाहे आपके पर्सन मेल हो या फिर आपके पर्सन फीमेल हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है तो यहाँ पे आपके पर्सन भी आपकी फ़ीलिंग्स रख से सिमिलर फीलिंग्स आपके लिए रखते हुए दिख रहे हैं फॉर श्योर ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है और बहुत ही इमोशनली कनेक्टेड या इमोशनल बॉन्ड आपके साथ में फ़ील करता हुआ दिख रहा है यहाँ पे जो मेन आपका कार्ड आया है कैप्रिकॉन्स वो द लवर्स आया है और लवर्स के साथ में थ्री ऑफ वान्स आया है ऐसा लग रहा है कि आप किसी पर्सन के साथ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशन पावर्स दिख रही है प्लस एट द सेम टाइम शायद आप इस पर्सन के लिए प्रेयर कर रहे हैं आई डोंट नो आप क्या कर रहे हैं बट आप अपने सोलमेट को यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं आप आप वेट भी कर रहे हैं <laughs> आप फ्यूचर की प्लानिंग भी कर रहे हैं <laughs> तो बहुत ही आपके अच्छे इमोशंस दिख रहे हैं कि आप फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं और वेट करते हुए वे दिख रहे हैं आप जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा कब ये चीज़ मैनिफेस्ट होगी बट आपकी एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही हैं इस कनेक्शन में मुझे लग रहा है कि आप पता नहीं क्यों यहाँ पे एट ऑफ कप्स आया है और एट ऑफ कप्स का जो कार्ड होता है वो पुरानी सिचुएशन से निकल के किसी नई सिचुएशन में जाना होता है मतलब कि क्लियरली आप एक चैप्टर से निकल के दूसरे चैप्टर में अपनी लव लाइफ़ के जाना चाहते हैं और कहीं हो सकता है कि आप बीच में फंसे हुए हैं बट ये रीडिंग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लग रही है तो आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचने ही वाले हैं बट फॉर श्योर sure आप एक सिटन से मूव ऑन करके दूसरे सिटुएशन में जा रहे हैं आप कहीं से मूव ऑन करके कहीं और जा रहे हैं हो सकता है कि पास्ट में अगर कुछ इश्यूज आए हो तो आप दोनों वो इश्यूज को रिजॉल्व कर लो और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो आप उस कॉन्फ्लिक्ट को आप दोनों रिजॉल्व कर लो और जो पुरानी चीज़ें हुई थी आप लोग उससे मूव ऑन करो और एक नया टोटली फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करो न्यू लव ओल्ड लव डजेंट मैटर यहाँ पे जिस भी पर्सन के साथ में आप नवम्बर में बात कर रहे हो एक बॉन्ड क्रिएट कर रहे हो उस पर्सन के लिए ये रीडिंग है ओके यहाँ पे द वर्ल्ड है द वर्ल्ड अगेन आपकी स्ट्रेंथ में आया है और द वर्ल्ड भी कुछ ऐसा ही बताता है कि आप बहुत ही खुश हैं क्योंकि चीज़ें अब बदल रही हैं चीज़ें अब चेंज हो रही हैं और अब ये बहुत ही अच्छा समय है कि जब आप फ्यूचर की तरफ देखें कैप्रिकॉन्स पास्ट की तरफ ना देखें तो दिस कार्ड इज़ वेरी पॉजिटिव मैं टू तो बी ऑनेस्ट मैं आपकी रीडिंग का फर्स्ट पार्ट देख के जब हम जनरलाइज मैसेजेस को आ, देख रहे थे तो मैं थोड़ी सी डर गई थी बट अभी मुझे समझ में आया है कि एक्चुअली चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रही हैं यस हो सकता है आपने पास्ट में टफ़ टाइम देखा हो किसी कनेक्शन में बट चीज़ें आपके लिए अब पॉजिटिव हो रही हैं पास्ट में टेन ऑफ पेंटिकल दिख रहा है और पेज ऑफ पेंटिकल दिख रहा है पास्ट से ही आप स्टेबिलिटी के ड्रीम्स देख रहे हैं शायद से किसी पर्सन के साथ में या फिर पास्ट में आप ऐसी एक मेंटालिटी में दिख रहे हैं कि आप एक स्टेबल कनेक्शन में आते, आना चाहते हैं आप फैमिली अब अपने लिए क्रिएट करना चाहते हैं आप इन एंड आउट नहीं होना चाहते हैं आप परमानेंट कोई रिलेशनशिप चाहते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें दिख रही हैं और पास्ट में कुछ लोगों के लिए साइड नोट ये है कि हो सकता है जिस पर्सन को आप पसंद करते हो उस पर्सन को आप किसी वर्क इन्वामेंट से जानते हो या फिर अपने कॉलेज टाइम से जानते हो या फिर स्कूल टाइम से जानते हो समहाउ करियर और करियर जो है उसका इंपैक्ट आपकी लव लाइफ पे दिख रहा है तो मुझे नहीं पता कि आपका करियर कैसे इंपैक्ट कर रहा है हो सकता है कि कुछ करियर का इन्वॉलमेंट हो आप दोनों की लाइफ में अब यहाँ पे अगर हम आपके और दूसरे इमोशन देखते हैं तो यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स आया है नाइट ऑफ पेंटिकल रिवर्स में इसीलिए आए क्योंकि आपको डर लग रहा है कि जो रिलेशनशिप आप चाहते हैं या फिर जो स्टेबिलिटी आप चाहते हैं अगर ऐसा हुआ कि नहीं मिली तो अगर इस पर्सन के साथ मेरा लॉन्ग टर्म कनेक्शन नहीं बना तो अगर ये पर्सन मुझे नहीं मिला तो ये सब आपके जो फियर हैं वो हमें नाइट ऑफ पेंटिकल रिवर्स सॉरी किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स से दिख रहे हैं ये फियर की पोजिशन में है ये डर है थोड़ा सा कि जैसा मैं सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ वैसा नहीं हुआ तो बट यहाँ पर यहां मुझे चीज़ें पॉजिटिव लग रही हैं तो आई डोंट थिंक सो कि डरने की कोई बात है आ, फ्यूचर में ये दिख रहा है कि आपकी कोई विश पूरी हो रही है नाइन ऑफ कप्स है यहाँ पे नाइन ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट बताता है और आप बहुत ही फ्यूचर में बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको और वो चीज़ें हो रही हैं जो चीज़ें आप बहुत ही टाइम से चाहते थे वो चीज़ें हो रही हैं जो आप पास्ट से ही इमेजिन कर रहे थे टेन ऑफ पेंटिकल से पास्ट से ही आपकी इमेजिनेशन है या आपके ड्रीम्स आपकी लव लाइफ के और फ्यूचर में वही ड्रीम्स पूरे होते हुए दिख रहे हैं और आप बहुत ही बढ़िया सा फील कर रहे हो यहाँ पे और अगेन यहाँ पे नाइट ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी किंग ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है किंग ऑफ़ शॉर्ट्स की एनर्जी इस रीज़न से आ सकती है कि आपके पर्सन जो है जेमिनाई लिब्रा या एक्वेरियस हो मतलब कि मिथुन राशि तुला राशि या फिर कुंभ राशि या फिर नाइट ऑफ शॉर्ट्स बस इसीलिए हो सकता है कि आया हो कि आपका इस पर्सन से फ्यूचर में कनेक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा मेच्योर हो रहा है बहुत ही इंटलेक्चुअल कनेक्शन है आप बहुत अच्छा बॉन्ड कर रहे हो एक दूसरे के साथ में इंटलेक्चुअली ये पर्सन आपको करियर में हेल्प कर रहा है आप इस पर्सन को करियर में हेल्प कर रहे हो आप दोनों साथ में ग्रो कर रहे हो तो बहुत ही बॉन्डिंग वाली और सपोर्ट सिस्टम वाली विश फुलफ़िलमेंट वाली एनर्जी आपके फ्यूचर में दिख रही है और आउटकम में भी ऐसा हो रहा है कि आउटकम ये सब कुछ जो हो रहा है उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा आउटकम बता रहे है कि थोड़े इशूज़ आ सकते हैं सेवन ऑफ वान्स की एनर्जी है थोड़ा आपको इशूज़ आ सकते हैं इस कनेक्शन में बट अल्टीमेटली यहाँ पर बहुत ही पैशनेट कुछ शुरुआत होते हुए दिख रही है फ्यूचर में तो आपकी पूरी जो रीडिंग है ये पूरी रीडिंग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और आम... अगेन जो नवंबर का मंथ है थोड़ा सा वेट करने वाला दिख रहा है क्योंकि हम अगर फ्यूचर के कार्ड देखें तो एक्सट्रीमली पॉजिटिव हैं अगर हम प्रेजेंट के कार्ड देखें तो आप दोनों की फीलिंग्स पॉजिटिव दिख रही है बट हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि कुछ फियर अभी भी है आपकी लाइफ में कुछ अनसर्टेनिटीज अभी भी हैं कुछ चीज़ों से अभी भी आप मूव ऑन कर रहे हो कुछ साइकल्स हैं जो पुरानी फिनिश कर रहे हो और एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हो तो नवम्बर आपको रेनबोज एंड सनशाइन हो सकता है ना लगे बट नवंबर से एक किक स्टार्ट हो रही है पॉजिटिव एनर्जेटिक मोमेंटम की ओके okay? और हो सकता है जो फर्स्ट पार्ट में हमने रीडिंग का जो फर्स्ट पार्ट देखा हो उसमें हमें समझ में आया हो कि किस चीज़ से आप गुजर रहे हैं किस चीज़ से आप गुजरे हैं बट अगर अभी हम फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पे फ्यूचर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है इस कनेक्शन में आए कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है इस कनेक्शन में रह चुका हो तो इस कनेक्शन की अपनी अ, अपने अलग चैलेंजेस हो सकते हैं बट मैं पॉजिटिव इसीलिए हूँ क्योंकि पॉजिटिव कार्ड्स आए और आपके पर्सन की साइड से भी पॉजिटिव कार्ड आए यहाँ पे क्वीन ऑफ़ कप्स की भी एनर्जी है आई डोंट नो मैंने आपको बताया है या नहीं पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी भी बता रही है कि हो सकता है आपके पर्सन कैंसर पाइसिस या स्कॉर्पियो हूँ साइन भी यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉगली एग्जिस्ट कर रहा है अब ये पर्सन इतने जो आपके साथ में इमोशंस फील कर रहे हैं आपके लिए इतना इमोशनल फील कर रहे हैं पर्सन और क्या फ़ील कर रहे हैं नवम्बर के मंथ में और क्या फ़ील कर रहे हैं ये हम जानने की कोशिश करते हैं हमें पता है कि फ्यूचर हमें पॉजिटिव दिख रहा है बट नवंबर में ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं यूनिवर्स प्लीज हेल्प नाइट ऑफ वांस फील कर रहे हैं आपके लिए ओके okay. और क्या फील कर रहे हैं आपके लिए चैरिट फील कर रहे हैं जजमेंट फील कर रहे हैं ओके okay. सिक्स कितनी पॉजिटिव फीलिंग स्ट्रेंथ फील कर रहे होके स्ट्रेंथ मैंने बॉटम ऑफ द डेक में भी देखा था ओके okay, तो ये पर्सन इमोशनल भी है आपके लिए ये पर्सन पैशनेट भी दिख रहा है आपके लिए हो सकता है कि आपका कनेक्शन में इन एंड आउट की एनर्जी आई हो बिकॉज जो नाइट ऑफ नाइटोफानस का लोअर वाइब्रेशन होते हैं वो हमें बताते हैं कि एनर्जी थोड़ी सी वोलेटाइल है एक जगह पर टिक के नहीं रहती है तो एक इशू आप फेस ये कर सकते हैं कि आपके पर्सन की इनकन्सिस्टेंसी आप फेस कर सकते हैं कि कभी आपसे बहुत बात कर रहे हैं कभी एकदम से गायब हो गए फिर आपकी लाइफ में आप पियर हो गए ऐसा हो सकता है सबके लिए नहीं होगा मैं बस आपको एक साइड नोट दे रही हूँ अगर आप ऐसी कोई सिचुएशन देख रहे हैं तो तो थोड़ी सी इनकन्सिस्टेंसी आप फेस कर सकते हैं इस पर्सन की साइड से बट एट द सेम टाइम ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है और ग्रो कर रहा है आपके साथ में तो अगेन द चैरिट पॉजिटिव मोमेंटम बता रहा है एक इनिशियल इनकन्सिस्टेंसी के बाद में यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम बन रहा है यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है जो कि बता रही है कि पर्सन आपके साथ चांस चाहता है या फिर सेकेंड चांस चाहता है तो ये पर्सन कोई ऐसा भी हो सकता है या फिर अच्छा फ्यूचर का चांस उसके बाद स्ट्रेंथ भी है ये पर्सन स्ट्रांगली दिख रहा है अपने इमोशंस में खट, खड़ा हुआ स्ट्रांगली दिख रहा है आपके लिए फीलिंग्स रखता हुआ अगर कुछ अप्स एंड डाउन्स आ भी रहे हैं कुछ परेशानियां आ भी रही हैं तो ये पर्सन रेडी रहेगा उन परेशानियों से साथ में निपटने के लिए बहुत जल्दी ये पर्सन बैकआउट नहीं करेगा तो अगर कुछ इश्यूज़ आते हैं तो भी यहाँ पे ये बहुत ही स्ट्रांगली स्टैंड करते हुए दिख रहे हैं आप में से कुछ लोगों में एटीट्यूड इश्यूज हो सकते हैं कि इस पर्सन ने फ़ोन नहीं किया तो मैं क्यों करूँ इसने रिप्लाई नहीं किया तो मैं क्यों करूँ ये थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं अब आपके लिए लव मैसेजेस देखते हैं चलिए यूनिवर्स के मैसेजेस या गाइडेंस आपकी लव लाइफ के लिए देखिए आपके पर्सन में ना कुछ रेड फ्लैग्स भी हो सकते हैं हो सकता है आपको कुछ एडजस्टमेंट करने पड़े उस पर्सन के साथ में बट अगर आपको लगता है आप वो कर सकते हैं तो अच्छी बात है ट्रांसफॉर्मेशन योर रिलेशनशिप विथ वन एंड अदर इज़ अबाउट टू डीपन लव कॉन कर्स एंड ट्रांसफॉर्म ऑल थिंग्स ओ माई गॉड तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन uh, ये बता रहा है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है और ज्यादा डीप हो रहा है और जो लव है वो कौन कर कर लेगा सारी अच्छी बुरी चीज़ों को जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि पर्सन स्टैंड लेगा आपका स्टैंड लेगा या फिर इस रिलेशन का तो वही दिख रहा है कि यहाँ पे आप दोनों ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं आपका कनेक्शन डीप हो रहा है और जो भी परेशानी आ रही है वो आप लोग हैंडल कर रहे हैं यूनिवर्स गिवस मोर कार्ड्स इम्बरेज थ्रू ई ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीस ओ माई गॉड ये कार्ड ये बता रहे कि आप दोनों एक दूसरे के मिल, से मिल के बहुत ज़्यादा कंप्लीट फील करेंगे अगर बहुत समय से आपकी लाइफ में एम्पटीनेस थी अप, आपकी लव लाइफ में तो आप दोनों एक दूसरे को यहाँ पे कंप्लीट करते हुए दिख रहे हैं ओ माई गॉड दिस इज सो रोमांटिक पावर यू इंस्टिसिवली नो वॉट इज़ राइट फॉर यू एंड यू हैव द पावर टू से नो और टू वॉक अवे एट एनी टाइम ये बता रहा है पावर का कार्ड कि आप में इतना पावर है कि आपकी गट फीलिंग में इतना पावर है आपके इंट्यूशन में इतना पावर है कि आपको सही गलत चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आ, आप किसी भी समय पर अगर आपको लग रहा है कि आई डोंट वॉन्ट दिस मुझे ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए या मुझे चाहिए तो आप अपनी उस पावर से स्टैंड ले सकते हैं उस चीज़ का यू you नो know? तो अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करें अपनी गट फीलिंग को फॉलो करें लाफ्टर इज़ ज द बेस्ट थेरेपी हैव सम फन टूगेदर एंड एम्ब्रेस लव एंड टूगेदर एंड रिमेंबर लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर ओके थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करें थोड़ा सा हंसीए अपने पार्टनर के साथ में थोड़ा लाइट हार्टेड एनर्जी में आइए स्पेशली अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स आप लोगों ने झेले हैं पिछले कुछ समय में तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार बात करें तो लड़ाई करें कुछ थोड़ा सा फ़न करिए और लाइट हार्टेड एनर्जी में आइए हाँ आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट योर लव फील्स मी विथ लाइट आई लव यू अ मैसेज फॉर यू आपके पर्सन का मैसेज है आपके लिए और फॉर श्योर sure आपके पर्सन क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स में स्टैंड करते हुए दिख रहे हैं तो दिस मैसेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके पर्सन बोल रहे हैं कि ये आपके बारे में सोच रहे हैं इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं और आपका जो प्यार है इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेके आता है और नीचे आई लव यू लिखा हुआ है ओ माई गॉड

और अपने कनेक्शन को बेटर बनाइए बीवेयर ऑफ वॉट यू आर प्रोजेक्टिंग फॉर द क्वालिटीज़ यू एडमायर इन वन एंड अदर आर क्वालिटीज़ यू बोथ पोजेस इक्वली सो द क्वालिटीज़ यू डोंट लाइक आर ऑल्सो यू ओन रिफ्लेक्शन हो सकता है आप लोग अपने पास्ट में जो हुआ है उस उसके कारण बहुत सारा रिएक्शन आपके कनेक्शन में होता हो जैसे पास्ट में अगर आपने गलती की हो तो आपके पर्सन बार बार उस गलती को निकालते हो या उन्होंने कोई गलती की हो तो आप उस पर बार बार डिस्कस करते हो कि तुमने ऐसा किया तुमने ऐसा किया यू नो यू हैव टू कम आउट ऑफ इट ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन पास्ट में किसी रिलेशनशिप में रहे हों और वो रिलेशनशिप टॉक्सिक रहा हो तो उसका उस रिलेशनशिप के ट्रस्ट इशूज़ या अबैंडमेंट इशूज़ वो आप पे प्रोजेक्ट करें आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो हील्ड नहीं है और इसीलिए बार बार इनसिक्योर होता है तो देखिएगा कि बहुत ज्यादा प्रोजेक्शन ना हो आपकी लव लाइफ में ओके okay? अब यहाँ पे देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं और एकल्स हैं आपके लिए यहाँ पे कौन कौन से साइन दिख रहे हैं पहले मैं आपको मैं वो बता देती हूँ यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे वाटर साइन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है तो आपकी पर्सन कैंसर पाइसीज या स्कॉर्पियो हो सकते हैं और यहाँ पे अर्थ भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे सारे साइंस हैं आई थिंक वर्गो टॉरस और कैप्रिकॉन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके बाद में यहाँ पे लियोज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है सिंह राशि जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है मिथुन राशि और यहाँ पे एरीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मेष राशि सैजिटेरियस है यहाँ पे धनु राशि ओके okay. What एल्स वी हैव वी हैव मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर मेडिटेशन करने के लिए आपको सजेशन है कि मेडिटेट करिए या फिर अगर मेडिटेशन आप नहीं भी करते वैसे तो मैं सजेस्ट करूँगी कि मेडिटेशन करिए तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी आपका इंट्यूशन आपको ज़्यादा बेटर तरीके से गाइड करेगा कि कब एक्शन लेने की ज़रूरत है कब एक्शन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है यू you नो know, इन सारी चीज़ों में बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा साइलेंस में रहें थोड़ा सा अपने गट फीलिंग को सुनने की कोशिश करें जो मैं सो की okay, रोमांटिक मंथ दिख रहा है अपने से कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेट क्लियरली अपना कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा रखें इस पर्सन के साथ में और uh, दे कोशिश करें कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो डोंट स्टॉप ओके आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है आपको स्टैग्नेंट होने की ज़रूरत नहीं है आप uh, आपको अपनी लव लाइफ को किसी भी रीज़न से रोक के रखने की ज़रूरत नहीं है ओके okay. आगे बढ़ें लव लाइफ़ में अभी किस सेंस में है वो मैं नहीं बोल सकती नॉट द राइट टाइम किसी भी चीज़ की जल्दबाजी ना करें चीज़ों को नेचुरली अनफोल्ड होने दें hmm. अब मैं आपको अल्फाबेट्स बताती हूँ यहाँ पे कौन कौन से अल्फाबेट्स हैं फर्दर कन्फर्मेशन के लिए ओके वी हैव लेब्रा तुला राशि फिर से हमें दिखी है यहाँ पे एरीज है मेष राशि फिर से दिखी है इन द लेटर्स वी हैव आर टी जी आई ई e, आप में से हो सकता है कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हूँ वी हैव एस एन ई जी आर पी जे आर एच यहाँ पे ब्लैंक है तो अगर आप अपना नाम बना रहे हैं या अपने पर्सन का नाम बना रहे हैं और एक लेटर नहीं मिल रहा है तो ये ब्लैंक वो लेटर को आप इस ब्लैंक को आप वो लेटर रिज्यूम कर सकते हैं यहाँ पर डब्ल्यू है और यहाँ पे ए है तो ये सारे लेटर्स हैं मेरे प्यारे कैप्टिकॉन्स ऑल द बेस्ट थोड़ा सा कंफ्यूज आप हो सकते हैं नवम्बर में बट मुझे चीज़ें पॉजिटिव साइड पे दिख रही हैं सो ऑल द बेस्ट टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ यू नेक्स्ट टाइम बाय